लेकिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोगों को मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये पुरस्कार चयन पत्र, स्वीकृति पत्र और अनुदान राशि प्रदान की है। उन्नत कृषि और उन्नत किसानों के साथ नए समर्थ, स्वस्थ और सशक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी सोच और मार्गदर्शन हमेशा हमें नए संकल्प लेने की प्रेरणा भी देता है और उन्हें सिद्ध करने का बल भी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर एक बार फिर अपने मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा और बल देने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। श्री अन्न महोत्सव तथा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री कुलदीप सिंह ओलक जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्री संजय अग्रवाल जी, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, आज के समारोह में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के विद्यालयों के हमारे कुलपतिगण, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी एफपीओज, कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारीगण, प्रगतिशील हमारे अन्नदाता किसान और अन्य उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है, इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर छठे सातवें दशक तक, पिछली सदी के छठे सातवें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम, जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है, शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं लेकिन समय के अनुरूप, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान की गति थमने के कारण दोनों चीजें थी। एक बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए अभी मेरा लगा कम खेती में अधिक उत्पादन करना, एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद की। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़े। हम सब इस बात को जानते हैं, पंजाब के अंदर एक ट्रेन ही चल गई कैंसर ट्रेन के रूप में। केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, जबकि श्री अन्न, ज्यादातर श्री अन्न ऑर्गेनिक है, कम पानी की आवश्यकता है, इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे। कैसे कम क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज्यादा लंबी फसल है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके उत्पादकता को बढ़ाने में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, फसल को तैयार होने में लगने वाला समय को कम करने में कैसे मदद की जा सकती है, ये बहुत सारी चीजें थी जिसमें आज नए शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक पक्ष ये दिया कि आज कम से कम पिछले 3 वर्ष के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग लगभग हर परिवार के यहाँ एक आइटम अब श्री अन्न का बनना प्रारंभ हो गया है या उसके भोजन का एक पार्ट श्री अन्न बन चुका है, वो किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार किया है। और दूसरी तरफ मैं भारत की और खासतौर पर प्रदेश की उन संस्थाओं का, बहनों का और माताओं का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इसमें भी नई नई आइटम बनाना शुरू किया है। अभी हम देख रहे थे जो एग्जीबिशन बाहर लगी हुई है, मिलेट से बने हुए बिस्किट भी थे, नमकीन भी थे और भी लड्डू भी थे,
और भी तमाम चीजें उसमें बनी हुई थी। यानी जो रुचि वर्धक हो सकती है, पहले जब बनाते थे तो लोग उसको बहुत ही बेतरतीब तरीके से बनाते थे, देख करके भी कोई खाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जो बना रहे हैं उसको देख करके कोई व्यक्ति सहसा ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। यानी जैसा प्रोडक्ट आप परोसेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, लोग उसको उसी प्रकार से स्वीकार भी करेंगे। और मुझे लगता है कि वह अब इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है उसी को ध्यान में रख करके आज यहां पर बहुत सारे इस फील्ड में जो कार्य करने वाले संस्थान है, कृषक उत्पादक संगठन है, एफपीओस है, जिनको आज यहां पे सम्मानित किया गया। ऐसे 35 चयनित कृषक उत्पादक संगठनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेट के प्रमाणीकरण और उसके बीज उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए कार्य किया है। इसके लिए उनको 4,00,000 रुपए की सहायता यहां पर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी मिलेट प्रसंस्करण के लिए कुछ कार्य प्रारंभ किए हैं, कुछ ने बहुत अच्छे काम प्रारंभ किए हैं, कुछ को यहां पर नए तरीके से उन्हें उपकरण आदि के लिए भी सहायता दी जा रही है। 95,00,000 रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र, 5 ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों को आज यहां पर इस सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, हमीरपुर है और गाजीपुर है। इन्हें 95,00,000 रुपए प्रति कृषि विज्ञान केंद्र यह उन्हें सहायता मिलेट के प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए यह सहायता यहां पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अंदर कुछ हमारे कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस और केवीके कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अधिक से अधिक किसानों को इस दिशा में प्रशिक्षित करके प्रोत्साहन दिया है, उनको भी आज यहां पे सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए गए हैं और पीओएस मशीन के माध्यम से भी, जो आपने देखा होगा पिछले 2 वर्ष से हम लोग मिनी किट उपलब्ध करवा रहे हैं, मिलेट के मिनी किट। और मैं तो इस मामले में ये भी कहूंगा, मैंने कृषि विभाग से गत वर्ष भी कहा था, मैंने कहा था अगर हम बीज के किट उपलब्ध करा रहे हैं उन किसानों को हमें प्रशिक्षण भी देना चाहिए, लेकिन जितना हम इस बार से उनको बीज दे रहे हैं अगले वर्ष उनसे उतना बीज जरूर लें और फिर उसके अगले वर्ष हम उससे दुगने किसानों को फिर ये बीज उपलब्ध करवाएं। हमें केवल देना ही नहीं है, उनसे लेकर के अन्य लोगों को भी लाभान्वित करवाना चाहिए, ज्यादा संख्या में लोग उससे लाभान्वित हो पाएंगे, हम ज्यादा कवर कर पाएंगे लोगों को। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति लेने वाला है उसके मन में भी ये भाव होना चाहिए कि हाँ मैंने लिया था तो मैंने वापस भी कर दिया, शासन को सरकार को वापस भी कर दिया है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया के साथ जोड़ सकेंगे। और आज यह भी यहां पर देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लोगों की जागरूकता बढ़ी है। यानी कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग बचपन में बहुत देखे थे, उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ था तो मैंने उस वहां पे इस चीज को देखा था, जितने भी मिनट थे मोटा न था, कम सिंचाई वाले स्थानों पर तो हम लोग देखते थे कि ज्यादातर इसी की खेती होती थी, लेकिन पिछले 20-25-30 वर्षों से हम लोग देख रहे थे कि सब बोना बंद हो गया था, बाजरा बंद हो गया था, ज्वार बंद हो गया था, मड़ुआ बंद हो गया था, सांवा बंद हो गया था, कोदो, काकुल, कुटकी, चेना, कुट्टो या रामदाना, ये सब मैं तो ये देखता था वहां पे कि ये जितने भी श्री अन्न है वहां पे लोग पैसा नहीं, अगर कोई सामान उनको खरीदना होता था, मीठा है, नमक है, कोई चीज खरीदना होता तो यही वो देते थे दुकान में, दुकान से फिर उनको सामान इसके बदले में ये सामान वापस मिल जाता था। यानी जो किसान के पास है किसान वह देगा,
और जो व्यापारी के पास है, व्यापारी से वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप वह सामान खरीद लेता था। आज भी गांव में इस प्रकार की प्रथा है। गांव में जो हॉट लगते हैं, गांव के बाजार लगते हैं, वहां पे हम लोग इस बात को देखते हैं। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ती है, वह इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन ये फिर से अब किसानों की जागरूकता इसमें बढ़ी है, और इसमें आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों में ही कितने दाम बढ़े हैं। इसके प्रति शासन की जागरूकता किस रूप में है, या हम लोग जो हमारी खरीफ की फसल है इसमें जो MSP ही अगर आप देखेंगे बाजरा में 14-15 में कुल MSP इसका जो मिलता था 1250 रुपये था, आज इसका 2500 रुपये यानी दोगुना दाम हुआ है। ज्वार इसकी कीमत 2014-15 में थी 1530 रुपये प्रति क्विंटल और आज इसके दाम है 3180 रुपया, यानी 1650 रुपये अधिक इसके दाम बढ़े हैं। रागी ये 1550 रुपये 2014-15 में इसके दाम थे और आज हैं 3846 रुपये, यानी 2296 रुपये अधिक इसमें प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है। ऐसे मकई में 1310 रुपये प्रति क्विंटल था 2014-15 में, आज है 2090 रुपया। मूंगफली 4000 रुपये प्रति क्विंटल था, आज है 6377 रुपये प्रति क्विंटल, और उड़द 4350 रुपये से बढ़कर के आज 6950 रुपये, यानी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें किसान सीधे सीधे लाभ प्राप्त कर सकता है। अब इसमें सभी लोग मिलकर के काम करें। मैंने देखा हमारी कृषि विश्वविद्यालयों ने रुचि ली तो कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कृषि विश्वविद्यालयों ने रुचि ली तो कृषि विज्ञान केंद्रों में काफी सुधार हुआ है। नहीं तो 2014 तक, 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, हम लोग देखते थे कि बामुश्किल एक दर्जन भी कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं थे जिनको हम देख सकते थे। वे बंजर बंजर भी उनके सामने शब्द कहना बेकार था, लेकिन आज ज्यादातर कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें खड़ी हुई है। मैं इसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालयों का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि जो चारों हमारे राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है और उन्होंने रुचि ली, एक कुछ नया करने का प्रयास किया है। और मैंने इसीलिए कृषि विभाग से कहा है कि उपकार जैसी संस्था का भी हमें उपयोग करना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, उपकार और KVK, ये सभी मिलकर के कार्य करेंगे तो कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसानों के लिए हम लोग बेहतरीन शोध और अनुसंधान के साथ अच्छी क्वालिटी के बीज, अगर प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी पैसा सरकार दे रही है, हमने हर KVK में और हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इस बारे में पहले से कहा है, मंडी समिति से भी पैसा दिया है, विभाग से भी पैसे देने की बात की है, ये इस बात के लिए कहा है किसानों को जितनी सुविधा दी जा सकती है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके सर्टिफिकेशन के लिए हर कृषि विज्ञान केंद्र में, हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग लैब्स स्थापित करते हैं। कम पैसे में ये लैब्स स्थापित हो सकती है, थोड़ा प्रयास कर लेंगे, हमारे कृषि वैज्ञानिक आगे आ जाएंगे, वो वहां पर स्थापित हो सकती है। मिलेट के शोध और वहां पे अनुसंधान के लिए हम विशेष व्यवस्था वहां पर कर लें, थोड़ा सपोर्ट कर लें, ये अपने आप तेजी के साथ अपने दौड़ते भी दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी रुचि का विषय है, वे इस फील्ड में अच्छा कार्य कर सकते हैं। और ये सभी में बेहतर समन्वय होना और फिर इन समन्वय के माध्यम से इनके द्वारा समय समय पर स्टडी, अगर 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, कौन से क्लाइमेटिक जोन पे कौन सी फसल हो सकती है, कहाँ दलहन का है, कहाँ तिलहन का है, कहाँ पे ज्वार बाजरा के लिए है,
क्योंकि ज्यादातर मोटे अनाज उन क्षेत्रों में पैदा होंगे जहां पे प्रदेश के अंदर कम सिंचाई की सुविधाएं हैं या ऊंचे क्षेत्र है, उसके अनुरूप फिर हम उसको चिन्हित करें, उस प्रकार के बीज समय पे उपलब्ध करवाने की, बीज के प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी, जिससे किसान को समय पे उपलब्ध हो सके। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा में बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर सकता है, बहुत अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश की है, जहां जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, वहां पर्याप्त मात्रा में आपके पास जल उपलब्ध है। लेकिन जहां नहीं है वहां पे कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, कहां दलहन के लिए उपयोगी है, कहां तिलहन के लिए है, कहां अन्य फसलों के लिए ये उपयोगी हो सकता है, अगर ये सभी मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे हम बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मैं भी बाहर था एग्जीबिशन में, एक सज्जन अपने गले में तख्ती तान करके कह रहे थे, साहब हम गायों से परेशान है। तो मैंने कहा इसका मतलब आप प्राकृतिक खेती नहीं करते, अगर आप प्राकृतिक खेती करते तो आप गाय से परेशान नहीं होते, बल्कि हमारे पास आते कहते कि साहब हमें 4 की बजाय 8 गाय बांधने की परमिशन दीजिए, सरकार तो आज 1500 रुपए प्रति गोवंश उन्हें उपलब्ध करवा रही है, हर महीने उपलब्ध करवा रही है। अब आश्चर्य करेंगे, गाय उसकी दूध वह पिएगा, गोबर और गोमूत्र भी वही लेगा, पुण्य भी वो कमाएगा, लेकिन पैसा सरकार दे रही है। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देकर के हम लोग इस दिशा में बेहतर प्रयास कर सकते हैं और सरकार इसको प्रोत्साहित करना चाहती है। आपके पास एक अवसर आया है, सरकार इस दिशा में सहयोग करेगी, एफपीओस को सहयोग करेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब भी हम लोगों ने पिछले महीने एमएसएमई विभाग ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो किया था। ट्रेड शो में बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश की पूरी, यानी जो पोटेंशियल यूपी का है वो ट्रेड शो प्रदर्शित कर रहा था। ट्रेड शो इस बात को दिखाता था कि उत्तर प्रदेश में कितना पोटेंशियल है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीजें मुझे देखने को मिली थी, परंपरागत उत्पाद तो उत्तर प्रदेश का था ही, लेकिन उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था हमारे एफपीओस ने, तमाम कृषक उत्पादक संगठनों ने वहां पर अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, उन असीम संभावनाओं को अपने प्रयास से वहां पर ट्रेड शो के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने ट्रेड शो में ये सभी कार्य किए थे, क्योंकि वहां पे यद्यपि कृषि मंत्री भी थे, कृषि मंत्री जी वहां पे थे, छुप छुप करके वहां वो कर रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा बाद में कि चलिए कृषि मंत्री स्वयं वहां गए प्रोत्साहन देने के लिए लोगों को। और उस आकर्षण का केंद्र बने हुए थे उत्तर प्रदेश के एफपीओ, उस पूरे ट्रेड शो के अंदर हर व्यक्ति चाहता था, देखता था। याद रखना, आने वाले समय में दुनिया में खाद्यान्न का एक नया संकट खड़ा होने वाला है, और कोरोना जैसी महामारी ने बहुत सारे सबक भी दिए। अगर हम परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कृत्रिम जीवन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो ये महामारियां हम सबको लील लेंगी अपने साथ। हमें अपने प्राकृतिक वास के साथ जीना होगा, और प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने में जितनी हम मदद कर पाएंगे ये श्री अन्न उसमें और भी ज्यादा सहायक हो सकता है। एक नया सबक आप सबके सामने है और मुझे लगता है पूरी दुनिया की मानवता के सामने भी है। हम इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु बने, श्री अन्न महोत्सव। और ये आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का यहाँ पर जमावड़ा और प्रगतिशील किसानों का या इस फील्ड में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब का यहाँ पर इस प्रकार का ये जो एकत्रीकरण है, यह उत्तर प्रदेश में इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मील पत का पत्थर साबित होगा। इस विश्वास के साथ श्री अन्न महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
उपकार को भी उनके 34वें स्थापना दिवस पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आप देश के खाद्यान्न के उत्पादन में और वह भी स्पीड में बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।